पवार ने विधायक पद से इस्तीफा देने का किया निर्णय, कहा मेरे खिलाफ 72 घंटों में 2 झूठे केस दर्ज किए गए हैं, लोकतंत्र की हत्या होते हुए मैं नहीं देख सकता। मुबरा पुलिस स्टेशन में आभाड़ के खिलाफ दर्ज मामले की पुलिस कर रही है जांच। जानकारी के मुताबिक मुबरा में नए पुल के उद्घाटन के दौरान महिला को गलत तरीके से छूने का लगा है आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अब 2 अक्षरों को बदलने का लिया निर्णय, मराठी भाषा में अब ल और श शब्दों का नहीं होगा प्रयोग। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर दिखा ट्रैफिक जाम, मलाड, कुरार और जोगेश्वरी के बीच ट्रैफिक जाम से लोग हुए परेशान। इंद्रेश कुमार ने आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भारत में 99% मुसलमान अपने पूर्वजों, संस्कृति, परंपरा और मातृभूमि के लिहाज से हिंदुस्तानी है, भारतीयों के पूर्वज एक ही है। नगर पालिका द्वारा जल्द शुरू होगा मुंबई के परेल टीटी पुल की मरम्मत का कार्य, परेल टीटी ब्रिज की मरम्मत के लिए मनपा खर्च करेगी 18 करोड़ रुपए। मुंबई में बढ़ता दिख रहा है खसरे का प्रकोप, संदिग्ध खसरे की वजह से 50 बच्चे अस्पताल में भर्ती, एक वेंटिलेटर पर। छेड़छाड़ के आरोप पर सामने आई जितेंद्र आभाड़ की पत्नी की पहली प्रतिक्रिया, ट्वीट कर कहा जिस महिला ने यह शिकायत दर्ज कराई है उसका एक मकसद है राजनीतिक महत्वाकांक्षा। नवी मुंबई में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में मनाया गया हिमाचल प्रदेश दिवस, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा उम्मीद है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल से काम नहीं करेंगे। विधायक जितेंद्र आभाड़ के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद मुबरा में कार्यकर्ता हुए आक्रामक, सड़क पर टायर जलाकर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, मुबरा बाईपास को सुबह से किया गया बंद। 12 साल के बच्चे को किडनैप कर मांगी 2 करोड़ रुपए की फिरौती, ठाणे पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बच्चे को सुरक्षित लाया वापस, बच्चे के पिता ने आभार व्यक्त करते हुए कहा यह मेरा बेटा नहीं, महाराष्ट्र पुलिस का बेटा है। इस वीडियो के आधार पर महिला ने जितेंद्र आभाड़ पर छेड़खानी का लगाया आरोप, वीडियो में आभाड़ महिला के बाजुओं को पकड़कर भीड़ से साइड करते हुए आ रहे नजर। कांग्रेस और अकांपा की साजिश को भांपते हुए सभी शिवसैनिक सामने आएंगे और बाला साहेब की सोच में शामिल होंगे, मंत्री दीपक केसरकर ने नवी मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया बयान। शिवसेना सेंट्रल ब्रांच का बदला गया नाम, सेंट्रल ब्रांच को बाला साहेब की शिवसेना का दिया गया नाम, डोंबिवली सेंट्रल में शुरू हुई बाला साहेब की शिवसेना की शाखा। ठाणे मुबरा में राकांपा कार्यकर्ताओं ने बंद का किया आह्वान, सुबह से ही मुबरा के अमृत नगर गुलाब पार्क कौसा इलाके में एनसीपी ने दुकानों और बाजारों को किया बंद। श्रद्धा मर्डर केस में हत्या के बाद 35 टुकड़े किए लाश के, रात 2 बजे उठकर 18 दिनों तक लगाता रहा लाश को ठिकाने, आफताब हुआ गिरफ्तार। बीजेपी 2024 में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में गठबंधन में विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ेगी, हम 45 लोकसभा सीटें और 200 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने के लिए तैयार हैं, महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने दी जानकारी। मुबरा थाने के बाहर जितेंद्र आभाड़ के समर्थन में जोरदार हुई नारेबाजी, गद्दार हमसे डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं के लगे नारे, आभाड़ की पत्नी रीता आभाड़ ने भी विरोध प्रदर्शन में लिया भाग। बोरीवली वेस्ट में बोरीवली से गोराई रोड पर देर रात हुआ बड़ा हादसा, भीषण हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जितेंद्र आभाड़ पर आरोप लगाने वाली भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी का बयान आया सामने, कहा मेरी अनुमति के बिना मुझे छूने वाले विधायक की मैं निंदा करती हूँ, मैं मुख्यमंत्री गृह मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि मेरे साथ जो हुआ उसके लिए आभाड़ पर धारा 354 लगाई जाए।